हाई डियर लर्नर्स, वेलकम टू ओरेसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में आज हम ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, बट इंग्लिश में उनको कई कई तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और सिर्फ एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते बल्कि उनका जो मीनिंग और जो सेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो एक ही सेंटेंस हमारी मंशा के अकॉर्डिंग कितनी तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसको हम कितनी डायरेक्शंस में बात कर सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। और हमारा टॉपिक जो रहेगा ट्रांसलेशन का आज, वो मॉडल बेस्ड रहेगा। मॉडल्स मीन्स मे, माइट, कैन, कुड, जैसे आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स। आइए देखते हैं कि इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और ये जो आज का टॉपिक है, ये जूनियर सेक्शन, सीनियर सेक्शन सभी के लिए है, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आज हमारे पास सेंटेंस है, शायद आज वर्षा हो। आप इसी बात को कह सकते हैं, संभव है आज वर्षा हो, हो सकता है आज वर्षा हो सकता है आज पानी बरसे। तो यहाँ पर शायद को अगर हम थोड़ी देर के लिए ये सीख लें कि शायद का मतलब जो होता है वह मे होता है, तो कोई बुरी बात नहीं होगी। लेकिन अगर हम मॉडल्स का यूज़ ना करें और इसको किसी और तरह से भी कहें तो भी गलत नहीं होगा। आप कह सकते हैं परहैप्स इट विल रेन टुडे, Perhaps it will rain today। अब ये तो शायद की जगह अब हमने यूज़ किया संभव, तो शायद की जगह जो संभव आया, तो आप जिस तरह से ये वर्ड बदला ऐसे ही प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड यहाँ पर यूज़ कर लें, जो कि संभावना दिखाता है। PROBABLY, probably it will rain today। इट मीन्स केवल वर्ड्स बदले हैं, वही बात हमने कई तरह से एक्सप्रेस करना सीखा है। हो सकता है, इट मीन्स यहाँ पर संभावना की बात चल रही है, तो आप यहाँ पर भी इस एक्सप्रेशन के लिए भी यही सेम दोनों एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। आपको बदलती हुई हिंदी को माइंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। हो सकता है आज पानी बरसे, तो आप इसको मे जब आता है तो 50% चांसेस के लिए आता है कि भाई बादल हैं, हो सकता है आज बारिश बरसे, तो आप कहेंगे इट मे रेन टुडे। तो अब हमने इतनी सारी एक्सप्रेशंस दिखाने के बाद यहाँ पर इट मे रेन लिखा है, तो इसका क्या पर्पस है कि आपने यहाँ परहैप्स लिखा, फिर विल लिखा, फिर यहाँ रेन लिखा। तो हमने क्या किया, परहैप्स और विल की जगह एक साथ हमने मे को शो कर दिया, तो हमने कम वर्ड्स में अपनी बात को एक्सप्रेस कर दिया। और कम वर्ड्स में अपनी बात को एक्सप्रेस करना अच्छी इंग्लिश के दायरे के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो आपका मे आता है, मे आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को शो करता है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि एक बात को आप कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब देखिए, हमने कहा शायद आज वर्षा हो, तो हमने इसको एक सेंटेंस टाइप जिसके अंदर वर्ब है क्लोज बनाया, यह संभव है कि आज वर्षा हो। तो आप इसको नाउन क्लोज टाइप में इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल दैट इट विल रेन टुडे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इट इज़ पॉसिबल के साथ, जो कि हमने यहाँ थ्री वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है, यहाँ पर हमने एक वर्ड में एक्सप्रेस किया था, तो आप किसी भी तरह से अपनी बात को कह सकते हैं। तो ये वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस आपने सीखना है। अब देखते हैं कुछ दूसरी एक्सप्रेशंस। यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है, वह नहीं भी आ सकता है। तो वह आ सकता है, अब तक हमने पॉजिटिव सेंटेंसेज स्टडी किए थे। तो अगर हम संभावना को लेकर बात करते हैं तो नहीं भी, तो यहाँ पर हमें ट्रांसलेशन में एक अहम बात ये आप समझ लीजिए कि हर वर्ड को ट्रांसलेशन में शामिल करना नहीं होता है। किस वर्ड को अवॉइड करना है, किसको कंपल्सरीली यूज़ करना है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात है सीखना। तो अगर हम मे लगा रहे हैं तो यहाँ भी का कोई वजूद नहीं है, तो हम कहेंगे ही मे नॉट कम। तो इस तरह से आप भी को मे में टालकर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं।
अगर कोई एक इंडिकेशन ऐसा बताती है कि जो आप बोल रहे हैं वैसा ही होने वाला है, यानी आपकी जो संभावना है अगर वह अधिक है, अगर संभावना आपकी अधिक है, जिसको हम इंग्लिश में नियर पॉसिबिलिटी कहते हैं, नियर पॉसिबिलिटी का मतलब है कि आपको संभावना ज़्यादा मिल रही है तो आप वहाँ पर मे लगाते हैं। लेकिन अगर आपकी रिमोट पॉसिबिलिटी है, रिमोट का मतलब है कि दूर की संभावना, तो फिर आप माइट लगाते हैं, फिर आप माइट लगाते हैं। अब कैसे, उसके भाव बताते हैं। अगर भाव चोर होने की तरफ जा रहे हैं तो आप कहेंगे हिज बॉडी लैंग्वेज। अब बताने के लिए यहां टेल नहीं लगेगा, क्योंकि टेल ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहां पर एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा सुनता है। तो यहां पर बताने का मतलब इंडिकेट है। His body language indicates that he may be a thief. तो यहां पर his body language indicates that he may be a thief. तो यहां पर may का मतलब है आपका शायद और be का मतलब है होना, यानी भाव बताने से वह चोर हो सकता है। और अगर हम सपोज करिए एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि भाई आसमान साफ है, बारिश शायद ही आए, बारिश शायद ही आए, तो रिमोट पॉसिबिलिटी में माइट लगाते हैं। ज़रा यहाँ देखें रिमोट पॉसिबिलिटी को कैसे हम डिस्कस करते हैं। वह खूब पढ़ता है, वह शायद ही फेल हो, यानी अगर कोई व्यक्ति वर्क हार्ड कर रहा है और यह हार्ड वर्क कर रहा है तो क्या होगा कि व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा है तो क्या होगा कि फेल होने की जो संभावना है वह दूर हो जाएगी। तो संभावना दूर होने में हम शायद ही लगाते हैं। तो शायद ही लगते ही हमें ये नज़र आता है, अगर सीधे सीधे से किसी सेंटेंस में शायद ही है तो आप माइट का यूज़ करेंगे। तो ही स्टडीज़ मच सेमी कॉलन वहाँ लगाते हैं जहाँ पर जो है हमारी पिछली बात पूरी भी हुई है लेकिन कहीं ना कहीं अभी बात कहनी बाकी है और कोई कंजंक्शन नहीं आया। ही स्टडीज मच, ही माइट फेल। तो यहाँ माइट लगाएंगे जहाँ पर हमें कोई काम होना बहुत मुश्किल लग रहा हो। ऐसे ही सेंटेंस यहाँ देखते हैं, आसमान साफ है को आप ट्रांसलेशन करेंगे द स्काई इज क्लियर। आसमान साफ है, बारिश शायद ही आए, तो यानी दूर हो गया, इज क्लियर, तो आप लिखेंगे इट माइट रेन, क्योंकि बारिश आने के चांसेस घट गए हैं। और अगर हम कहें द स्काई इज क्लाउडी तो आप लिखेंगे इट मे रेन, यानी आसमान में बादल हैं, आज शायद बारिश हो सकती है या हो जाए। तो जो स्काई है आपका, स्काई का क्लाउडी होना पॉजिटिविटी दिखाता है रेन होने के लिए। इट मीन्स यहाँ पर जो आपकी संभावना है यहाँ तो कम है और यहाँ अधिक है, तो अधिक संभावना होने पर आप मे लगाते हैं और कम संभावना होने पर आप माइट लगाते हैं। यहाँ पर सीख लीजिए आप कि अगर हम इकलौते सेंटेंस के अंदर ये कहें वह आज शायद ही आए, वह आज शायद ही आए, तो अब यहाँ पर जो ही बता रहा है, ये ही आपको ये बता रहा है कि वह आज लगभग आएगा नहीं। इट मीन्स ही माइट कम।
तो यहाँ पर हमने जनरली सीखा कि माइट हम ऐसी जगहों पर लगाते हैं जहाँ पर किसी वर्क के चांसेस होने के कम होते हैं। वह शायद ही पास हो, ही माइट पास। वह शायद ही हमसे बात करे, ही माइट टॉक टू अस। वह हमसे बात कर सकता है, उम्मीदें अगर मन में ज़्यादा हैं तो आप ही मे लगा सकते हैं। और अगर किसी की आदत है बात कर भी लेता है नहीं भी, तो यहाँ पर इक्वली है, लेकिन बात करने की आदत की वजह से आप यूज़ करेंगे ही मे टॉक टू अस। तो ये हुआ आपका मे और माइट का अंतर। अब जैसे कि हम कहते हैं बारिश आ सकती है, वह फेल हो सकता है, वह बाहर जा सकता है, वह इंग्लिश बोल सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके सामने दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ क्या आती है, एक आता है आपकी संभावना और दूसरा आता है आपकी शक्ति। शक्ति का मतलब है पावर। अगर हम पावर की बात करते हैं तो हम उसको कैन में टर्न कर लेते हैं, और अगर हम संभावना की बात करें तो हम मे या माइट के अंदर उसको बदल लेते हैं। अब दोनों की कंपेयर करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, वह इंग्लिश सीख सकता है। अब यहाँ पर इस बात को कहने की दो इंटेंशंस हैं। एक शो करती है कि हम पावर की बात कर रहे हैं, दूसरी हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम पावर की बात कर रहे हैं कि भाई उसके अंदर जीनियस इतनी है, वो बहुत तेज़ है, शार्प माइंडेड है, तो हमारी इंटेंशन पावर की तरफ जा रही है, तो हम कहेंगे ही कैन लर्न इंग्लिश। अगर हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो शायद वह इंग्लिश सीख ले, तो ये आपके जहन के अंदर, आपके माइंड के अंदर ये बात चल रही होती है कि नहीं, मैं वक्त और समय के अनुसार उसके काम करने की पावर को एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो सेम सेंटेंस आप मे के अंदर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि दोनों में से अगर हम कोई सा बना लें तो ठीक है। ठीक उस केस में होगा कि इसका मीनिंग डिफरेंट होगा, इसका मीनिंग कुछ और होगा। ये आपके पावर को शो कर रहा होगा और ये आपकी पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को शो कर रहा होगा। तो ये बात सोच समझ करके बोलें। अगर आप किसी से कहते हैं कि वह काफ़ी बलशाली है, काफ़ी पावरफुल है, वह इस वज़न को उठा सकता है, तो ही कैन लिफ्ट द वेट, तो वहाँ पर आपको कैन लगाना पड़ेगा। और अगर हम मूड की बात करें, भाई अगर मूड आया तो वह मेरे पास आ सकता है, इफ़ इज़ इन मूड, या एज़ ही इज़ मूडी ही मे कम टू मी, तो वहाँ पर आप चांसेस देख रहे हैं। एक है पावर कि नहीं वो कर ही जाएगा, उसके अंदर इतनी ताकत है तो कैन लगाएं, और जहाँ चांसेस हैं तो वहाँ पर आप मे लगाएं। और अगर इसमें आप कहते हैं वे शायद ही उठाए, तो आप वहाँ पर बिना ज़्यादा विचार किए आप माइट लगाते हैं। अब माइट के हम देखेंगे कि माइट का पास्ट और मे का पास्ट क्या होता है, और साथ साथ कैन का पास्ट क्या होता है। कैन के पास्ट को सबसे पहले समझते चलते हैं। वह काफ़ी लंबा है, वह काफी समझदार है, वह स्थिति को संभाल सकता है। अब यहां पर समझदार होना उसकी एक पावर को शो करता है, तो आप लिखेंगे ही इज वाइज इनफ, ही कैन हैंडल द सिचुएशन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने कैन का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पावर नज़र आ रही है कि उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो किसी भी जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर ले, सिचुएशन को हैंडल कर सकता था,
तो कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है, कर सकता था। मैं बचपन में इतना स्ट्रोंग था कि बहुत लंबी दौड़ दौड़ सकता था, तो आई वॉज स्ट्रोंग इनफ इन माई चाइल्डहुड दैट आई कुड रन अ लॉन्ग रेस। तो यहाँ कुड लगाया बचपन की वजह से, इट मीन्स पावर का जो पास्ट होता है वो कुड होता है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं और एक बात जान लेते हैं कि मे का जो पास्ट होता है वो मे हैव होता है, इसी तरह से जो माइट का पास्ट होता है वह माइट हैव होता है। और अगर ये पास्ट होते हैं तो इनके साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जबकि कैन के साथ जो कुड आता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती है। हो सकता है आज रात कोई आया हो, तो आप लिखेंगे समबडी मे हैव कम टू नाइट। आज रात की इंग्लिश टुडे नाइट नहीं होती, टू नाइट होती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि इंग्लिश आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। समबडी मे हैव, इट मीन्स जब मे का पास्ट आप संभावना का करते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे सेंटेंसेस में या नाउन क्लोज में तो माइट होता है, लेकिन सिंगल क्लोज वाले सेंटेंस में जिसे हम सिंपल क्लोज के सॉरी सिंपल सेंटेंस कहते हैं उसमें आप मे हैव करते हैं, यानी संभावना में आप कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम को फिक्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें मे हैव लगाना होता है। उसने मना कर दिया होगा, यहाँ पर हो सकता है आप लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी ट्रांसलेशन हमें करनी नहीं है। उसने मना कर दिया होगा तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं, आपके दिमाग में 50-50 चल रहा है। तो आप लिखेंगे ही मे हैव रिफ्यूज्ड। अब यहाँ मना करने की अलग अलग इंग्लिश है, अगर दूसरे को करने के लिए मना किया होगा तो आप फॉरबेड लिख देंगे, अगर खुद से मना करना है तो रिफ्यूज़ लिख देंगे, किसी ऑफर को मना किया होगा तो आप डेक्लाइन लिख देंगे। तो ये अलग अलग वर्ड्स हैं, तो आप जो है किसी एक को चूज़ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वोकेबलरी को आप समझें और याद करें। तो आई होप कि आज जो हमने ये मे माइट को और उनके पास फॉर्म को डिस्कस किया ये आपको शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ट्रांसलेशन के, और दूसरे पहलू जो आपको परेशान करते हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न रहता है कमेंट सेक्शन में हमें अपने सेंटेंसेस भेजते रहिए, हम उनको आपको बिल्कुल सीधी सीधी तरह से समझाते रहेंगे और आपका लर्निंग का सिलसिला बना रहेगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़े रहें। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर लिखें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसे ही सीरीज़ की दूसरी वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।